हरियाणा वालों को राम राम। हरियाणा तक का यूट्यूब परिवार हुआ 1 मिलियन के पार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस नेता के प्रति वर्कर का लगाव होता है वो उसके प्रति नारा लगाता है और श्रद्धा होती है, इसलिए नारे लगाते। कोई पार्टी के खिलाफ बात नहीं थी क्योंकि एक लोकतंत्र का हिस्सा है। कहाँ है ये तो अपनी दौड़ सी, भाई यो आपकी करे वो अपनी करे वो अपनी करे सब का अलग अलग। संगठन को लेकर आज चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों द्वारा मीटिंग ली गई। अलग अलग हलकों से, अलग अलग कार्यकर्ताओं से, अलग अलग नेताओं से उनकी राय ली गई। और जैसे ही पर्यवेक्षक चरखी दादरी में पहुंचे तो यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को के बारे में नारेबाजी भी करने लगे। हालांकि यहाँ पर हॉल जो था उसमें एंट्री करने को लेकर भी धक्का मुक्की हुई है। हमारे साथ दोनों गुटों के किरण और हुड्डा गुट के कुछ यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। आज का जो मामला था उसमें आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी है? कोई गुटबाजी नहीं है, जो अपने कार्यकर्ता थे उनका उत्साह था कांग्रेस के प्रति, जो आज वो दिखा रहा था, गुटबाजी किसी तरह नहीं है। सब अपने अपने आदमी का, मतलब जैसे मंदिर में पूजा करने ले जाते हैं ना, उत्साहित होकर जाते हैं, ऐसे यहाँ उत्साह था। क्योंकि दो पार्टियों के अलग अलग दो नेताओं के यहाँ पर नारेबाजी हुई, किरण के बारे में, हुड्डा के बारे में, तो क्या कहेंगे? ऐसा है, जिस नेता के प्रति वर्कर का लगाव होता है वो उसके प्रति नारा लगाता है और श्रद्धा होती है, इसलिए नारे लगाते। कोई पार्टी के खिलाफ बात नहीं थी क्योंकि हर वर्कर का किसी न किसी नेता से जुड़ाव होता है और जुड़ाव के कारण अपने नेता के नारे लगाता है, और कोई गुटबाजी वाली कोई बात। क्योंकि यहाँ पर हमने जो देखने को मिला है, किरण जिंदाबाद, हुड्डा जिंदाबाद, तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी नहीं है? गुटबाजी नहीं है, ये तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है। आज पर्यवेक्षक आए, सब या नेताओं, किसी किसी कार्यकर्ता की आस्था होती है, हम नेता के प्रति गए, लेकिन सब है तो कांग्रेस ही, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस आपके सरकार बनाने जा रही है। लोकतंत्र में आज देखो कितना ज्यादा, आज बीजेपी ने कल पन्ना प्रमुख किया था, उधर उनके इतने लोग नहीं थे, इतने हमारे यहाँ आ जाएंगे, तो आने वाली सरकार कांग्रेस की, और कांग्रेस एकजुट है, सबके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार। जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक आए हैं उनके साथ किस तरह की चर्चा है? चर्चा है, वो तो पूछ रहे हैं, उनके मन की बात ले रहे हैं कार्यकर्ताओं से, भाई कौन 10 साल से यहाँ काम कर रहा है, किसने ने कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य किया है, किसकी क्या विचारधारा है, वो लेके अपनी बातें आगे हाईकमान को रखेंगे। क्योंकि पूरा जो यहाँ पर हम देख रहे थे, जैसे ही एंट्री हुई थी यहाँ पर किरण जिंदाबाद, हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगे, तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी तो है? ये गुटबाजी नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा होती है नेताओं की, ये गुटबाजी का हिस्सा नहीं है। अपने अपने नेताओं के प्रति उनका प्यार है तो उनके नारे भी लगाए जाएंगे। कोई गुटबाजी, कोई ऐसा वैरभाव, पार्टी एक कांग्रेस है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आए हैं और ये पर्यवेक्षक संगठन बनाने के लिए और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की राय के लिए आए हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। क्योंकि गुटबाजी तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिली थी, जैसे ये पर्यवेक्षक आए थे किरण जिंदाबाद, हुड्डा जिंदाबाद के नारे लगे। आप भी एक किरण समर्थक माने जा रहे हैं, लेकिन आप इस मानते हैं कि कितनी गुटबाजी है? देखिए, हर नेता चाहता है मेरा कार्यकर्ता आगे बढ़े, हर कार्यकर्ता को ये लगता है कि भी मेरा नेता मजबूत हो, और आने वाले समय में हमारे नेता मजबूत होंगे तो कार्यकर्ता मजबूत होंगे, कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो इस क्षेत्र के अंदर विकास भी आएगा, ताकत भी मिलेगी। हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कितने सालों से, जो पिछले 9 साल से हम पीड़ित हैं इस सरकार से, तो वो एक हमारी लड़ाई है, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई है, और किसी प्रकार की गुटबाजी, अब हम दोनों भाई साथ खड़े हैं, सभी साथी, कोई गुट आपको दिखाई दे रहा है कहीं? तो कहीं ना कहीं ये जिला अध्यक्ष को लेकर है क्या? देखिए, बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी प्रतिस्पर्धा के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब साथी अपने आप को, हर व्यक्ति अपना चुनाव भी लड़ना चाहता है, अपने संगठन के अंदर भी अपनी ताकत अपने आप को काबिल करना चाहता है, तो ये एक प्रक्रिया है पार्टी की, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि भी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, इन लोगों की भावनाओं के हिसाब से हमारे जिले का संगठन बने और उसी हिसाब से यहाँ के किसी व्यक्ति को वो कमान दी जाए, जो ताकि समायोजित हो सभी। क्योंकि यहाँ पर जो पर्यवेक्षक आए हैं वो सिर्फ डेलीगेट्स और जो प्रतिनिधि हैं उनको लेकर, लेकिन यहाँ तो शक्ति प्रदर्शन देखने को प्रदर्शन, ये सब हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, और ये सभी आपकी अपनी एक भावना व्यक्त करने के लिए हैं, और यही ऑब्जर्वर का भी कहना है कि हम सब, अब आपने सुना भी होगा पीछे आपकी उसमें भी होगी रिकॉर्डिंग में, कि हमारे ऑब्जर्वर ने खुले तौर पर कही है कि हम इन लोगों की भावनाओं के अनुरूप आए हैं। जो भी सूची किसी ने अगर जारी की है वो सूची के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ऑब्जर्वर ने पहले ही अपने मुखारविंद से एक बात कह दी कि मैं सब कार्यकर्ताओं से मिलूंगा चाहे 11 बजे यहाँ, और हर व्यक्ति से मिलूंगा जो कांग्रेस का समर्पित सिपाही है इस क्षेत्र का, मैं सबसे मिलने के लिए आया हूँ, चाहे वो सामूहिक रूप से मिले चाहे व्यक्तिगत रूप से मिले, मैं हर व्यक्ति की भावना को सुन के जाऊंगा, और जो व्यक्तियों की हमारी भावना होगी
उस व्यक्ति को आपके यहाँ का जिला का संगठन हम बना के देंगे। देखिए आप कांग्रेस के एक डेलीगेट हैं, तो यहाँ पर पर्यवेक्षकों की डेलीगेट्स के साथ भी मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस द्वारा पहले भी कई सूचियां जारी की गई, वो वापिस क्यों, क्या मानते हैं? पहले जिसने जारी किया, हम तो बस इस प्रधान के उसके अजीत के उसमें आए हुए हैं, जो पहले जारी कर दी उसका हमने पता नहीं किसकी जारी। जो कांग्रेस प्रवक्ताओं की भी सूची जारी हुई है, कांग्रेस के और अन्य संगठन की भी जारी, वो कोई विशेष करता होगा, कोई ऊपर का जो संगठन है ना वो करता होगा, हमारे को तो इस बारे में पता ही नहीं कौन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना गुटबाजी कहाँ है, ये तो अपनी दौड़ सी, भाई यो आपकी करे वो अपनी करे, वो अपनी करे, सबका अलग अलग